नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जाति आधारित जनगणना पर बिहार की राजनीति दिलचस्प मोड़ लेती जा रही है। इस मुद्दे पर जो सहयोगी हैं वो आमने सामने हैं और जो विरोधी हैं वो एक साथ खड़े नजर आते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री से जाति आधारित जनगणना पर बातचीत करने के लिए वक्त मांगा था और नीतीश कुमार को 23 अगस्त की तारीख मिली है। और जब नीतीश कुमार इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री से बातचीत करने जाएंगे तो उनके साथ बिहार के कई नेता होंगे, तेजस्वी यादव भी मौजूद होंगे, साथ ही जीतन राम मांझी के अलावा मुकेश सहनी भी बिहार के प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे। इस मुद्दे पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो कल शाम में अंतिम रूप से हो गया, वो अगले सोमवार को 23 तारीख को दिन में 11 बजे उनसे मिलना है, टाइम तय हो गया और मिलेंगे। उसमें से पहले से ही जो हमने पत्र भेजा था उसमें मिलने के इच्छुक जो एक समुदाय मिलेगा, समूह मिलेगा, समुदाय समूह मिलेगा, उनकी सूची हम दे दिए थे। और फिर बीजेपी के भी लोग अभी नाम तय कर रहे हैं, वो दे देंगे, तो सब लोग जाकर के वहाँ पर मिलेंगे, तो अंतिम रूप से फिर भेज देंगे। तो यही तय हो गया है मिलने का। मुख्यमंत्री जी से भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि भाई प्रधानमंत्री से भी अगर मिलना हो तो मिलने चला जाए। 4 तारीख से लगातार जो है पत्र लिखा जा रहा है, तो हम इतना कहना चाहते हैं कि अभी हमको सूचना मिली है, कई दिन हो गए और लगातार हम लोगों ने जान से बोल रहे और पहले भी हमने बात रखा था कि भाई बहुत विलम्ब हो रहा है, जल्द से जल्द मिलना चाहिए समय, तो समय जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिल चुका है। कब का मिला है ये? सोमवार को 11 बजे का हमको सूचना मिली है। सोमवार को 23 तारीख को 11 बजे जो है पूरी डेलीगेशन जो है वो मुलाकात। दरअसल जाति आधारित जनगणना पर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है और ये मुद्दा जो है बिहार विधानसभा के दोनों सदनों से पास हो चुका है और इन सब के बीच इस पूरे मामले पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ रहे हैं। हम और जेडीयू के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, 23 अगस्त को एक शिष्टमंडल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहा है। ये शिष्टमंडल जातिगत जनगणना को लेकर के मिलने जा रहा है जिसमें हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी भी शामिल होंगे। और हमारा एजेंडा साफ है कि जब देश में 7 छुचिंदर बिल्लियों की गिनती हो सकती है तो फिर जातियों की गिनती से लोग क्यों भाग रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि एक शिष्टमंडल हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे और देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग करेंगे। जातीय जनगणना की मांग हमारी पार्टी और हमारे नेता की तरफ से लंबे समय से उठाई जा रही है। बिहार विधानमंडल में सभी दलों ने मिलकर प्रस्ताव भी पारित किया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी के नेतृत्व में पार्टी के सभी सांसदों ने गृह मंत्री से मिलकर मेमोरेंडम भी सौंपा था। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने केंद्र की सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह भी किया था और अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से समय मिला है। 23 अगस्त को आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी नेता मिलेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात को रखेंगे। बता दें कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री से वक्त मांगा और प्रधानमंत्री ने वक्त देने में देरी लगाई तब लगातार विपक्ष के निशाने पर आगे मुख्यमंत्री और कहा यह जाने लगा आरजेडी के नेताओं के द्वारा कि प्रधानमंत्री जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करते, मांगने पर भी वक्त नहीं देते। अब वक्त तो मिल गया है लेकिन जब बिहार का प्रतिनिधि मंडल जिसमें तेजस्वी यादव होंगे, नीतीश कुमार होंगे, मुकेश सहनी होंगे, जीतन राम मांझी होंगे, जब ये प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा तो नजारा देखने वाला होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में आमने सामने होते हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, जबकि नीतीश के साथ खड़े होते हैं बीजेपी के नेतागण। लेकिन जब जाति आधारित जनगणना पर 23 अगस्त को बातचीत होगी उस दिन ये तमाम नेता प्रधानमंत्री से एकमत होकर बात करते नजर आएंगे। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।